सुप्रभात, मैं पूनम माथुर भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का दशमा पाठ, नीति नवनीतम। इसके श्लोक देखिए बच्चों। सबसे पहला श्लोक इसका इस प्रकार से है, अभिवादन शीलस्य नित्यं व्रदोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन शीलस्य माने जो अभिवादनशील है, अर्थात बड़ों को प्रणाम करने वाला है। वृद्धोप सेविना, वृद्धजनों की सेवा करने वाला है। तस्य माने उसके, ऐसे व्यक्ति के जो अभिवादनशील है और वृद्धजनों की सेवा करने वाला है। उसके नित्य माने रोजाना ही, चत्वारी वर्धन्ते, चार चीजें जो है उसकी हमेशा ही वृद्धि को प्राप्त होती हैं। आयु विद्या यशो बलम्। चार चीजें कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीजें जो है वो वृद्धि को प्राप्त होती हैं। दूसरा श्लोक देखेंगे, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षते रपि। यम कलेशम, इसका अर्थ कहाँ से निकलेगा? यम कलेशम। यम कलेशम माने जिस कलेश को, जिस दुख को, सहेते माने सहन करते हैं, संभवे निर्णाम, निर्णाम माने संतान की, संभवे माने उत्पत्ति में, अर्थात माता पिता जो है वो संतान की उत्पत्ति में या उसके पालन पोषण में जिस कष्ट को सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षते रपि। तो उनकी जो संतान है वो उसके तस्य निष्कृति, उसके बदले को कर्तुम माने नहीं कर सकती, उसका बदला करने में वर्षते रपि 100 वर्ष में भी ना शक्य माने समर्थ नहीं है। अर्थात माता पिता अपने संतान की उत्पत्ति में, उसके पालन पोषण में जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला उनकी संतान जो है वो 100 वर्ष में भी नहीं चुका सकती। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका अर्थ बच्चों इस प्रकार से है, तयो माने उन दोनों के, अर्थात माता और पिता का, आचार्य से चा और आचार्य का, सर्वदा नित्यम, सर्वदा माने हमेशा, और नित्य, नित्य माने हमेशा या रोजाना ही, हमेशा और रोजाना ही प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि उन दोनों का, अर्थात माता और पिता का और आचार्य का, हमेशा प्रिय ही करना चाहिए। तेषु माने उन, त्रिषु माने तीनों, उन तीनों के ही, तुष्टेषु माने संतुष्ट होने पर, तपः सर्वं समाप्यते, सारे तप जो हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात अगर अपने माता पिता को और आचार्यों को आप प्रसन्न रखेंगे उन अपने व्यवहार से और अपने कार्यों से, तो आपकी सारी तपस्या जो है वो पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम। इसका अर्थ इस प्रकार से है बच्चों, सर्व परवशम माने सब प्रकार से, परवशम माने दूसरों के वश में होना, दुखम माने दुख देता है, सर्व आत्मवशम सुखम और सब प्रकार से अपने बस में होना, अर्थात आत्मनिर्भर होना हमें सुख प्रदान करता है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुखयो। एतत् विद्यात् माने यह, समासेन माने संक्षिप्त, लक्षणं सुख दुखयो, यह सुख और दुख का संक्षिप्त लक्षण विद्यात् माने हमें जानना चाहिए, अर्थात हमें समझना चाहिए। मतलब सब प्रकार से दूसरों के वश में रहना हमें दुख देता है और सब प्रकार से हमें अपने वश में रहना, आत्मनिर्भर बनना हमें सुख प्रदान करता है। यही बात जो है वो सुख और दुख का समासेन माने संक्षिप्त लक्षण हमें समझ लेना चाहिए। अगला श्लोक बच्चों इस प्रकार से है, यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मना। यत कर्म माने जिस कर्म को, जिस कार्य को करने में अंतरात्मना माने हमारी अंतरात्मा जो है, हमारा जो मन है वो परितोषो स्यात् प्रसन्न होता है, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत
तो ऐसे कार्य को, मतलब जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है, ऐसे कार्य को प्रयत्न माने प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत माने करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और उससे विपरीत कार्य को हमें वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है उस कार्य को हमें करना चाहिए और उससे विपरीत कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक बच्चों इस प्रकार से, दृष्टि पूतम निषेध पादम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्य पूतम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि पूतम माने दृष्टि से पवित्र, अर्थात भली प्रकार से अच्छी प्रकार से देखभाल करके हमें निषेध पाद माने अपने चरण को निषेध माने रखना चाहिए। तो हमें अच्छी प्रकार से देखभाल के अपने कदम को रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र अर्थात कपड़े से छने हुए जल को हमें पीना चाहिए। सत्य पूतम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र अर्थात सत्य से युक्त वचनों को हमें बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण को हमें करना चाहिए। दोबारा से देखते हैं इसको, दृष्टि पूतम निषेध पदम, दृष्टि से अर्थात भली प्रकार से देखभाल के हमें अपने कदम को रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र अर्थात कपड़े से छने हुए जल को हमें पीना चाहिए। सत्य पूतम वदित वाचम, सत्य से पवित्र अर्थात सत्य से युक्त वाणी को हमें बोलना चाहिए, वचनों को हमें बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण को हमें करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों नीति नवनीतम पाठ के ये सभी श्लोक जो थे इसको आप अच्छे प्रकार से समझ के और इनका अर्थ याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।